आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया। कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आप पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। आज फरीदाबाद में हमारे कुछ नए साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। भाई फौजदार जी, रविंदर जी और तमाम उनके साथी, सुखदेव जी, सैकड़ों की संख्या में ये साथी आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबको साथ लेकर के इस देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का संकल्प लिया है, उसी को ये सब लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी मजबूती से सब लोग उनके नेतृत्व में काम करें। तो हर रोज़ हजारों लोग पूरे हरियाणा के अलग अलग कोने में वो ज्वाइन कर रहे हैं और मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और इनके आने से फरीदाबाद के अंदर और ताकत मिलेगी। फकीराबाद को दोबारा फरीदाबाद बनाने का जो इनका संघर्ष होगा, उससे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में या संघर्ष और मजबूत। सर, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? ये सारी तैयारी उसी की है। संगठन मजबूत होगा तो कोई भी चुनाव आएगा, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, मेयर के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, तो सभी में नीचे से पार्टी बिल्ड होने का जो एक संकल्प है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर रुझान है। मुझे लगता है कि अंडर करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दिल्ली और पंजाब से बेहतर परिणाम आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में वो हरियाणा राज्य है। कांग्रेस का प्रदेश में परिवर्तन हो गया, कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं और जो तवर समर्थक उपेक्षित महसूस कर रहे थे शैलजा जी के भी जाने के बाद, उनसे क्या कहना चाहेंगे जिनमें अभी भी झिझक है? कांग्रेस का तो जो भविष्य है वो पूरा देश ही देख रहा है। धीरे धीरे पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। नए लोग कोई कांग्रेस में ना तो जमीन स्तर से जुड़े हुए कोई नए ज्वाइन कर रहे हैं ना कोई बड़े, ये तो धीरे धीरे सारा खाली हो रहा है मामला। अब वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से या तो जिनके पास अथा संपत्ति है, हाईकमान को जो ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर जो अपने निजी स्वार्थों के चलते देश के लिए, समाज के लिए, हरियाणा के बारे में सोचने वाले लोग, लोगों के बारे में सोचने वाले लोग वहाँ पर नहीं है। वो तो बीजेपी के साथ साठगांठ करके अपने आप को जेलों में जाने से बचाने वाले लोग हैं। किसी ने 200 एकड़ ज़मीन कब्जे में कर रखी है तो किसी ने कई लाख एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों की ले के बेच दी, और आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी 7-8 साल उसके सरकार में होने के बावजूद भी ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के पूरा कर देंगे और 24 की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ेगी। सर, आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई क्या मानती है, चंडीगढ़ पंजाब का है या हरियाणा का है? ये चंडीगढ़ तो हमेशा से ही हरियाणा का है और हरियाणा का रहेगा। तो कंट्रोवर्सी तो कई बार क्रिएट कर दी जाती है, कौन करने वाले हैं, ये तो बीजेपी जानबूझ करके उसको मुद्दा बनाया, और मैं समझता हूँ कि इनको आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो इस तरह के मुद्दे हैं जिसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरे रीजनल पार्टियां राजनीति करती रही, उनका स्थायी समाधान आम आदमी पार्टी निकाले और उसी के लिए ये मिलकर के लड़ाई। सर, हुड्डा समर्थक उदय पांडे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो तभी सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया कि कुलदीप बिश्नोई और अच्छे अध्यक्ष हो सकते हैं, तो गुटबाजी लगता है कभी कांग्रेस का दामन छोड़ेगी? देखिए, कांग्रेस मर सकती है, मर रही है, लेकिन सुधर नहीं सकती, यही तो संदेश ये नेता लोग दे रहे हैं। अभी पदों की लालसा है, पहले जो लोग मेरे समय में अध्यक्ष ही मांगते थे, अब उनसे जो है विधायक दल का नेता पद और गाड़ी और कोठी और बंगला वो नहीं छूट रहा है। तो लालच में जो लोग हैं वो इसी तरीके से लगे रहेंगे और मैं समझता हूँ कि जो निस्वार्थ भाव से
इस देश को बनाने वाले लोग हैं, इस प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पूरे उत्तरी भारत के अंदर अब एकमात्र विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने वो आम आदमी स्पष्ट हो चुका है। और भाजपा से जो प्रेम था वो केवल गरीब लोगों के कल्याण के उसके जो वादे थे उस पर था। अब पिछले 3 साल में लोग गरीबी से और ज़्यादा नीचे पहुंच गए। आज देश की दशा ये है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार का 5 किलो गेहूँ हर महीने मांग करके उससे गुजारा करने पे आ गई है स्थिति। तो हम इसको कैसे बेहतर मान लें, इससे बेहतर तो पहले रहे थे। तो अब वो सब देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद गरीबों के लिए अच्छा सोच पाने की क्षमता में तो केवल आम आदमी पार्टी है, वही इसके बारे में काम कर रही है। कम से कम गरीब आदमी के बिजली के खर्चे को ख़त्म कर दिया। एक गरीब आदमी का नॉर्मल महीने का 500-700 रुपये बिल आता है, वो ख़त्म हो गया, उसको बड़ी राहत है। उसके बच्चे के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, उसमें बहुत राहत है। देखिए, शहर हमारा मजदूरों का है और काम करने वाले लोगों का है। हम अपना खाना तो कमा लेंगे, लेकिन जो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके खर्चे में यदि हमारे यहाँ के लोगों को राहत मिल जाए तो उनका जीवन बड़ा चमन बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी, पार्टी को जब छोड़ा जाता है कोई ना कोई वजह होती है, तो भाजपा में ऐसी कौन सी वजह थी जिस जो आप मतलब वहाँ छोड़ कर आम आदमी पार्टी में? जो हमारी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। भाई, हम चाहते थे हमारे शहर के अंदर सब लोग सुखी रहें, खुश रहें पूरे देश के अंदर, वो नहीं हो रहा। मैं अपने लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे समस्या तो मामला है, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, सब उदास हैं, दुखी हैं। आज किसी के पास यदि हम बात करते हैं, किसी को इमरजेंसी कहीं हॉस्पिटल भर्ती बच्चे को करना पड़ गया साहब, उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उसके पास। इस वजह से हमें लगता है कि शायद कोई इस तरह की जैसे दिल्ली में योजना है, हरियाणा के अंदर ऐसी योजना आएगी तो उनको बड़ी राहत मिल जाएगी। भाजपा में आपके पास पहले क्या पद थे? भाजपा में पहले जी मैं जिला का युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा हूँ। अभी फिलहाल प्रांत के अंदर मेरे को युवा मोर्चे की प्रदेश कार्यकर समिति का सदस्य हूँ।